साहिवाल के हवाले से आपको खबर दें कि मकतूल खलील के बच्चों की कफालत के लिए हुकूमती इकदाम शुरू कर दिए गए। आपको आगाह करें कि खलील के बच्चों को बेहतरीन स्कूलों में दाखिल करवाने का फैसला कर लिया गया, जबकि मुतासर खानदान के दीगर मसाइल के हल के लिए भी हुकूमती तावुन इस वक्त जारी है। आपको बताएं कि GIT रिपोर्ट में भी सानहे को मिस हैंडलिंग करार दे दिया गया था। जराय की जानिब से ये खबरें सामने आ रही हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा क्या हुकूमती इकदाम किए जा रहे हैं बच्चों के लिए? हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की हदायत पर हुकूमत पंजाब ने जो सानह साहिवाल के मकतूल है खलील, उसकी फैमिली और बच्चों के लिए कफालत के जो इकदाम थे वो शुरू कर दिए हैं। खलील के बच्चों को तालीमी सहूलियात के लिए बेहतरीन स्कूलों में दाखिल कराने का फैसला किया गया, जबकि मुतासर खानदान के दीगर मसाइल के हल के लिए भी हुकूमती तआवुन जारी है। खलील के अहल खाना को सेहत की सहूलियात भी मुफ्त फराहम करने का फैसला किया गया है। दूसरी तरफ आज GIT की तहकीकात जो अब तक हुई है उसका जायजा लेने के लिए आला सतह इजलास तलब कर लिया गया, जो वज़ीर कानून बिशारत ताजा की सरबराही में होगा और इजलास IG पंजाब पुलिस चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी और दीगर हुकाम शरीक होंगे और देखा जाएगा कि GIT ने जो अब तक की तहकीकात की है उनको रिव्यू किया जाएगा और इस हवाले से आइंदा के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। ठीक है, आइंदा के इकदाम भी उठाए जाएंगे। लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया आपका।